जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग मुंडा रिबेलियन यानी बिरसा मुंडा का जो रिवॉल्ट था, मुंडा विद्रोह, उसके बारे में यहाँ पे आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस करने से पहले हम कुछ बता दें कि हमारा फ्री आंसर राइटिंग सेशन जो है स्टार्ट हो गया है। फॉस कर सकते हैं इसको, आंसर राइटिंग सेशन, जो कि जिसमें आपको एक क्वेश्चन डेली दिया जाता है पी वाई क्यू का एक क्वेश्चन डेली मिलता है। और यहाँ पे अगर इस सेशन से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, 6200922032 पे आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करना है, बाकी कहीं नहीं करना है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, 6200922032, इससे आपको मैसेज करना है टेलीग्राम पे। इसके बाद मैं बता दूं, जो भी आपका बेस्ट आंसर हिंदी में रहता है, जो भी बेस्ट आंसर आपको इंग्लिश में रहता है, उसको टेलीग्राम पे या फिर आपका यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है, ताकि आप अपना इससे जो है आपका अपना अपने तरीके का नोट्स बना सकते हैं। दोनों के हेल्प से आप अपना आंसर जो है निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपको दोनों नोट्स पढ़ना पड़ेगा, आपको हिंदी का भी नोट्स पढ़ना पड़ेगा और आपको इंग्लिश का भी नोट्स पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अपना खुद का यूनिक क्वेश्चन मिलेगा, यूनिक आंसर मिलेगा। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन जो होता है आपका हिंदी में अच्छा होता है, कुछ इंग्लिश में अच्छा होता है, आप दोनों का मिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले यहाँ पे जो आपका मुंडा रेबेलियन, मुंडा विद्रोह, इसके बारे में कैसे आप इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन देख लीजिए यहाँ पे। मुंडा रेबेलियन जो है आल्सो नोन एज द उलगुलान मूवमेंट, इस रेबेलियन को क्या कहते हैं, उलगुलान मूवमेंट भी कहा जाता है, उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। एंड वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग इन 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण क्या था, ट्राइबल अपराइजिंग मतलब जो भी रिवॉल्ट था ट्राइबलों का, जनजातियों का जो विद्रोह था, सबसे सिग्निफिकेंट माना जाता है आपका मुंडा विद्रोह को। द मुंडा रेबेलियन टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा, किसके नेतृत्व में था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में था, छोटा नागपुर रीजन में। द मूवमेंट केम टू बी कॉल्ड उलगुलान और द ग्रेट ट्यूमोल्ट एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग मुंडा राज बाई ड्राइविंग आउट द ब्रिटिश। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस विद्रोह का, कि टुक प्लेस अंडर द लीड, किसके लीडरशिप में था, मुंडा के, बिरसा मुंडा के, छोटा नागपुर रीजन में था। और इस मूवमेंट जो है केम टू बी कॉल्ड उलगुलान, इस मूवमेंट का नाम था उलगुलान, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट ट्यूमल्ट कहते थे। और इसका एम क्या था, एस्टैब्लिशिंग मुंडा राज को एस्टैब्लिश करना और ब्रिटिशर्स को मार भगाना, ठीक है, ये इसका राज था। तो आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, मुंडा रेबेलियन आल्सो नोन एज उलगुलान मूवमेंट एंड वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग इन 19th सेंचुरी, लिख सकते हैं। द मुंडा रेबेलियन टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा इन छोटा नागपुर रीजन। द मूवमेंट केम टू बी कॉल्ड उलगुलान और द ग्रेट ट्यूमल्ट एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग द मुंडा राज बाई ड्राइविंग आउट द ब्रिटिशर्स, ईआर लिखें ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश। फिर आता है आपका मुंडा बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा वॉज एन इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, तो बिरसा मुंडा क्या थे, एक जो भारतीय जनजातीय फ्रीडम फाइटर थे बिरसा मुंडा, रिफॉर्मर थे, सुहारवादी थे एंड रिलीजियस लीडर थे। हिज निक नेम वॉज धरती आबा, उनका निक नेम क्या था, धरती आबा था। बिरसा मुंडा इज नोन टू हैव मोबिलाइज द ट्राइबल कम्युनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हैज फोर्स द कॉलोनियल ऑफिशियल इंट्रोड्यूस द लॉ प्रोटेक्टिंग लैंड राइट ऑफ द ट्राइबल। तो बिरसा मुंडा ने क्या किया, जाने जाते हैं मोबिलाइज द ट्राइबल कम्युनिटी को मोबिलाइज किए थे, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में किए थे, और कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या किए, मजबूर कर दिए थे कि एक लॉ इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कि उनके लैंड राइट को प्रोटेक्ट कर सकते, ये इन्होंने बिरसा मुंडा ने किया था। तो फिर से देखिए क्या लिखेंगे, बिरसा मुंडा वॉज एन इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, रिफॉर्मर एंड रिलीजियस लीडर, हिज निक नेम वॉज धरती आबा। बिरसा मुंडा इज नोन टू हैव मोबिलाइज द ट्राइबल कम्युनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हैड फोर्स द कॉलोनियल ऑफिशियल्स टू इंट्रोड्यूस लॉ प्रोटेक्टिंग लैंड राइट ऑफ द ट्राइबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बिरसाइट सेक्ट। बिरसाइट सेक्ट क्या था, एक तरह का उन्होंने अपना रिलीजन निकाला था, बिरसाइट सेक्ट। तो हैविंग गेंड अवेयरनेस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर के जो जब उनके बारे में जान गए ब्रिटिश के बारे में, एंड द एफर्ट्स ऑफ मिशनरीज टू कन्वर्ट ट्राइबल्स टू क्रिश्चियनिटी, और देखिए क्रिश्चियन मिशनरी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो उनका उनके बारे में अवेयर हो गए कि ये लोग क्रिश्चियन मिशनरी क्या कर रहा है, ट्राइबल को किस में बदल रहा है, क्रिश्चियनिटी में, और ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर क्या है वहाँ पे उनका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को भी समझ गए। तो उस क्या किए, वो अपना एक बिरसाइट स्टार्ट फॉलो अप बिरसाइट, तो बिरसा जो है बिरसाइट सेक्ट को आरंभ किए, क्या करना, मानना। तो यहाँ पे हैविंग गेन द अवेयरनेस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी रूलर एंड द एफर्ट्स ऑफ द मिशनरी टू कन्वर्ट ट्राइबल्स टू क्रिश्चियनिटी, बिरसा स्टार्टेड द फेट ऑफ फेथ ऑफ बिरसाइट। अब यहाँ पे क्या, इसमें
मुंडा मेंबर्स ऑफ द मुंडा एंड ओराव कम्युनिटी ज्वाइन द बिरसा सेक्ट, यानी जो ओराव कम्युनिटी और मुंडा कम्युनिटी जो थे ये दोनों ही क्या करने, ये दोनों कम्युनिटी बिरसा सेक्ट को मानने लगे। एंड इट टर्न इनटू अ चैलेंज टू ब्रिटिश कन्वर्जन एक्टिविटी, और जो भी ब्रिटिश लोग जो उसको जो ब्रिटिश लोग जो कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में, वहाँ पर उसको चैलेंज आ गया। ही वॉन्टेड टू रिफॉर्म द ट्राइबल सोसाइटी एंड सो ही आज, वो बिरसा मुंडा चाहते थे कि ट्राइबल सोसाइटी में क्या हो, रिफॉर्म आए, सुधार आए, और इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट, यानी जो है विच क्राफ्ट में बिलीव करना, जादू टोना में बिलीव करना बंद कीजिए। स्ट्रेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर, प्रेयर यानी प्रार्थना के महत्व को महत्व पर फोकस कीजिए। टू गिव अप ड्रिंकिंग अल्कोहल, यानी जो शराब पीते हैं उसको खत्म कीजिए। एनिमल सेक्रीफाइस को बैन कीजिए। एंड मस्ट हैव फेथ इन द गॉड, और भगवान पर क्या कीजिए, पूर्ण विश्वास कीजिए। तो ये इनका मानना था। फिर से देख लेते हैं, मेंबर ऑफ कम्युनिटी मुंडा ओराव कम्युनिटी ज्वाइन द बिरसाइट सेक्ट एंड इट टर्न इनटू अ चैलेंज टू ब्रिटिश कन्वर्जन एक्टिविटी। ही वांटेड टू रिफॉर्म द ट्राइबल सोसाइटी एंड सो ही अर्ज पीपल टू स्टॉप बिलीविंग इन द विच क्राफ्ट, स्ट्रेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर, टू गिव अप ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड एनिमल सेक्रीफाइस एंड हैव फेथ इन द गॉड, गॉड में फेथ आ जाए। अब मुंडा का जो रिवॉल्ट था, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या था, इसको जो देखिए, कुछ चीज़ें होती है ना जो पहले से आ रही होती है, वही क्या बन जाता है, वही रिवॉल्ट का कारण बन जाता है। तो जो चीज़ पहले से आ रही है, बहुत सारे पहले ये जो बनाए गए थे रूल, तो उसके वजह से जो है ये उसका बैकग्राउंड, उसका बेस क्या था मुंडा रिवॉल्ट का। तो मुंडा रिवॉल्ट का बेस क्या था आपका, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस। तो जो कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लाया था 1793 में, वो इसका बेस था। क्या था, उसने जमीन ट्राइबल के कम्युनिटी को, ट्राइबल के जमीन को क्या कर दिया, जमींदारों को दे दिया। तो ये आपका किसके था, आपका परमानेंट सेटलमेंट था। फिर जो आपका बंगाल टेंडेंसी एक्ट लाया था, वो भी इसका एक कारण बना। फिर है चार्टर एक्ट 1813 क्रिश्चियनिटी, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, जिसके वजह से क्या हो गया, क्रिश्चियनिटी एंटर किया भारत में। वो क्रिश्चियनिटी क्या के ट्राइबल लोगों के जीवन में आए और उनको जो है आपका क्रिश्चियन बनाने पर मजबूर कर दिए, क्रिश्चियन बनाने लगे। फिर जो आपका बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर से क्या हो गया कि इनको 1765 में दीवानी राइट मिल गया बंगाल बिहार उड़ीसा का। तो उस वजह से जो बिहार में जो आपके ट्राइबल क्षेत्र थे उसके संपर्क में आ गए ब्रिटिशर्स। फिर जो है बैटल ऑफ प्लासी 1757 का, इसने एक नींव डाल दी। फिर फ्यूडल सिस्टम जो है, जमींदारी सिस्टम का इंट्रोडक्शन, और ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ये तो था ही, ब्रिटिश के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी था, ये भी एक तरह का रीजन था जो यही। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हो गया आपका, परमानेंट सेटलमेंट हो गया 1793 का कॉर्नवालिस के द्वारा, बंगाल टेंडेंसी एक्ट 1885 का, चार्टर एक्ट 1813 हो गया, बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ प्लासी 1757, फ्यूडल सिस्टम हो गया और ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ये सारे क्या हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मुंडा रिवॉल्ट को स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कॉज, अब कारण क्या थे, कारण यहाँ पे बहुत सारे कारण थे। पहला जो कारण देखेंगे हम यहाँ पे, एबोलिशन ऑफ खून कटी सिस्टम। खून कटी सिस्टम जो ब्रिटिश, सॉरी, जो मुंडा लोग मानते थे, तो वहाँ पे वो क्या कहते, ब्रिटिश आने के बाद वहाँ पे खून कटी सिस्टम को समाप्त कर दिए। नए फॉरेस्ट लॉ इंट्रोड्यूस किए। एक्सप्लॉयटेशन मनी लैंडर जमींदार, मनी लैंडर एंड जमींदार ने क्या किया, जो भी मुंडा ट्राइबल लोग थे उनका एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, शोषण करने लगे। फिर मिशनरी एक्टिविटी जो मैंने बताया कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म को क्रिश्चियन में बदलना चाहते थे। उनका जो रेट ऑफ टैक्सेशन और हाई, इसका टैक्सेशन का रेट और इन जो इंटरेस्ट था दोनों ही हाई था। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल, जो भी ट्राइबल का था बहुत ही क्या थे, गरीब थे, उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बदतर था। लैंड एलिनेशन एंड बेगारी, तो जो भी ट्राइबल थे उनको लैंड से बेदखल करने लगा और उसको फोर्स लेबर यानी आपका बेगारी करवाने लगे लोग, और ब्रिटिश का ऑपरेसिव पॉलिसी तो था ही। तो ये सारे जो है कॉज मिलकर मुंडा रिवॉल्ट को जन्म देते हैं, ये सारे कारण थे। अब हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको भी वही करना है कि पहले क्या करना है, छोटा सा बैकग्राउंड बना लेना है, उसी बैकग्राउंड के हिसाब से आपको आंसर यहाँ पे लिखते रहना है। तो यहाँ पे हम लोग पहला सिस्टम यहाँ पे क्या है, तो पहला आपका जमींदारी सिस्टम इन प्लेस ऑफ खूनकटी सिस्टम, खूनकटी के स्थान पर क्या आ गया, जमींदारी सिस्टम आ गया। मुंडा ट्राइब प्रैक्टिस खूनकटी सिस्टम ऑफ ज्वाइंट लैंड होल्डिंग, तो मुंडा ट्राइब जो आपका खूनकटी सिस्टम को फॉलो करते थे, जो कि खून कटी सिस्टम क्या था, ज्वाइंट लैंड होल्डिंग था, यानी लोग एक दूसरे को ज्वाइंटली क्या करते थे, वहाँ पे खेती करते थे। द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम इंटेंसिफाइड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्राइबल एग्रेरियन सिस्टम इनटू फ्यूडल स्टेट बाय इंट्रोड्यूसिंग द जमींदारी टेनेंसी एक्ट। तो क्या हुआ, तब ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम क्या हो गया, इंटेंसिफाइड द ट्रांसफॉर्म, यानी जो है
जो वहाँ के जो एग्रेरियन सिस्टम था, जो आपके जो ट्राइबल लोगों के जो जमीन थे उसको क्या करने लगे, उसको जो है आपका ज़मींदारों को देने लगे, फ्यूडल स्टेट बनाने लगे, ज़मींदारों को देने लगे। और कौन से एक्ट से, आपका ज़मींदार टेनेंसी सिस्टम के तहत, यानी जो आपका ज़मींदारी सिस्टम था उसके तहत जो है ब्रिटिश लोग जो ट्राइबल के ज़मीन को किसको देने लगे, ज़मींदारी को देने लगे, ज़मींदारों को। फिर यहाँ पे डिकू वेयर इन्वाइटेड बाय द ब्रिटिश टू सेल ऑन एंड कल्टीवेट द ट्राइबल लैंड। तो बाहर से लोग बनाए गए, बुलाए गए, जो कि क्या करते थे, जो जो ट्राइबल के लैंड थे, जो आदिवासियों के जो लैंड थे उन पे क्या करते थे, सेटल हो जाते थे और वहाँ पे कल्टीवेट करने लगते थे, उपजाने लगते थे। फिर जो दस द वेरियस ट्राइब हु वेयर द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द लैंड, वो लोग, वो जो ट्राइबल थे जो कि ओरिजिनल ऑनर थे लैंड के, वो लेफ्ट बैरेट और डिप्राइव ऑफ लैंड, उनको लैंड से बेदखल कर दिया गया एंड एनिमी और उनके जो लाइवलीहुड है उनसे भी बेदखल कर दिया गया था उनको। तो फिर से हम देख लेते हैं जमींदारी सिस्टम इन प्लेस ऑफ खून कटी सिस्टम, इसमें क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। मुंडा ट्राइबल प्रैक्टिस खून कटी सिस्टम ऑफ ज्वाइंट लैंड होल्डिंग। द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम इंटेंसिफाइड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्राइबल एग्रेरियन सिस्टम इनटू फ्यूडल स्टेट बाय इंट्रोड्यूसिंग द जमींदारी टेनेंसी सिस्टम। डीकू वेयर इन्वाइटेड बाय द ब्रिटिश टू सेटल ऑन द कल्टीवेट द ट्राइबल लैंड एंड दस द वेरियस ट्राइब्स हु वेयर ओरिजिनल ऑनर ऑफ द लैंड वेयर लेफ्ट बैरेट और डिप्राइव ऑफ द लैंड एंड एनी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इससे क्या हुआ, आगे लिख सकते हैं इसमें कि इससे क्या हुआ, वहाँ पे जो लोगों के मन में क्या हो गया, लोगों के दिल में क्या हो गया, डिसकंटेंट फैल गया ब्रिटिश के अगेंस्ट में। फिर यहाँ पे आपका द एक्सप्लॉटेशन ऑफ द ट्राइबल्स बाय मनी लैंडर जमींदार, मनी लैंडर और जमींदार के, जमींदार ने उनके साथ क्या किया, एक्सप्लॉयट किया, बर्बाद किया, यानी शोषण किया। कैसे, मुंडा यूजुअली टूक लोन्स फ्रॉम मनी लैंडर, मुंडा जो मनी लैंडर थे मुंडाओं को, यानी मुंडा ट्राइब को जो लोन देते थे वो देते थे वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन मिलता था एंड दे वेर ऑब्लाइज टू पे ऑल काइंड ऑफ टैक्स, और मुंडा जो थे उनको जो है सभी तरह के जो है उनको टैक्स देना अनिवार्य था। इन केस ऑफ अनेबल टू रीपे द लोन्स, अगर किसी केस में जो वो रीपे नहीं कर पाते लोन को या फेलियर टू पे टैक्सेस, यानी टैक्स देने में फेल हो जाते हैं, दे वेर डिप्राइव ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, उनके लैंड और प्रॉपर्टी को क्या कर देते थे, जब्त कर लेते थे, डिप्राइव कर लेते थे। इसमें क्या लिखेंगे, मुंडा यूजुअली टुक लोन्स फ्रॉम द मनी लैंडर एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दे वेर ऑब्लाइज टू पे ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस, इन केस ऑफ अनेबल टू पे द लोन्स और फेलियर टू पे द टैक्सेस दे वेर डिप्राइव ऑफ देयर लैंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी यानी फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1865 रेस्ट्रिक्ट द ट्राइबल पीपल टू यूज फॉरेस्ट रिसोर्स, यानी जो नया फॉरेस्ट पॉलिसी आया था, फॉरेस्ट लॉ आया था, उसने क्या किया, मुंडाओं को जो फॉरेस्ट रिसोर्स का यूज करते थे उसको रोक लगा दिया, उसको बैन कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट एमंग द मुंडा, ये क्या हो गया, मुंडा के बीच में क्या गया, बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना फैला दिया, क्योंकि लाइवलीहुड वॉज द इम्पैक्टेड, क्योंकि जो उनका लाइवलीहुड था वो इम्पैक्ट कर गया था इस न्यू फॉरेस्ट लॉ से। तो जिसका लाइवलीहुड इम्पैक्ट रहेगा, जीने का जो लाइवलीहुड था वो इम्पैक्ट रहेगा, तो वो तो रिवॉल्ट के लिए रोज करेंगे, उठेगा ही उठेगा। नेक्स्ट आपका पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल, तो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, देखिए यहाँ पे द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुंडा वेयर पुअर, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था उनका, बहुत ही गरीब था, दयनीय था, सो दे वेयर फोर्स टू बेगारी, इसलिए वो क्या करते थे, बेगारी करवाते थे एंड टू डू जॉब एट वेरी लो वेजेस, और बहुत कम वेज पे वो काम करने के लिए राजी हो जाते थे, यानी बेगारी ही समझ लिए, बेगार करवाते थे। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपका मिशनरी एक्टिविटी, जो मिशनरी, जो आपका मिशनरी थे क्रिश्चियन मिशनरी, उनका क्या एक्टिविटी था, तो यहाँ पे आप देखते हैं द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अलाउ क्रिश्चियन मिशनरी टू इंटर इंडिया एंड टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी। तो चार्टर एक्ट से क्या हो गया, क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में अलाउ हो गया आने के लिए, और उन्होंने और क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए भी अलाउ मिल गया था। इंटरफ्रेंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी हैड थ्रेटन द ट्रेडिशनल बिलीफ ऑफ मुंडा, जब क्रिश्चियन मिशनरी आ गए तो वो क्या हो गया, वो थ्रेटन करने लगे, मुंडा समझने लगे, थ्रेटन करने लगे द ट्रेडिशनल बिलीफ ऑफ मुंडा, मुंडा का जो ट्रेडिशनल बिलीफ था उसको थ्रेटन पहुँचने लगा। दिस मिशनरी इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर, ये मिशनरी क्या थे, जो मुंडा जो ट्राइबल के जो रिलीजियस अफेयर होता था उनमें इंटरफेयर करने लगे एंड ट्राई टू कन्वर्ट देम इन क्रिश्चियनिटी, और जो मुंडाल थे उनको क्रिश्चियनिटी में बदलने लगे। दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट अमंग देम सो दे रोज टू रिवोल्ट, और ये भी इनको असंतोष लगा और वो क्या हो गए, रोज टू रिवोल्ट में आ गए। फिर स्टार्ट ऑफ द रिवोल्यूशन कैसे, पहले यहाँ पे इस पॉइंट को देख लेते हैं फिर से, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अलाउ क्रिश्चियन मिशनरी टू इंटर द इंडिया एंड टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी, इंटरफेरेंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी हैड थ्रेटन द ट्रेडिशनल बिलीफ ऑफ मुंडा एज दिस मिशनरी इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर ऑफ मुंडा एंड ट्राई टू कन्वर्ट देम इन क्रिश्चियनिटी, दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट अमंग देम सो दे रोज टू रिवोल्ट। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट ऑफ रिवोल्ट, अब रिवोल्ट कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ पे देखेंगे, बिरसा इन्फ्यूज द वैल्यू ऑफ लव, बिरसा ने इन्फ्यूज किया वैल्यू ऑफ लव, लव के वैल्यू को,
रिस्पेक्ट को, सपोर्ट को एंड सेफगार्ड देयर लैंड फ्रॉम आउटसाइडर। तो किस में? ट्राइबल पीपल में, यानी ट्राइबल लोगों में लव के वैल्यू को बताया, रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड सेफगार्ड लैंड फ्रॉम द आउटसाइडर, ये सारे बताया किसके लिए? ट्राइबल लोगों के लिए। ही यूज ट्रेडिशनल सिम्बॉल एंड लैंग्वेज टू अराउज पीपल अर्जिंग, देखिए उन्होंने ट्रेडिशनल सिम्बॉल और लैंग्वेज को यूज किया ताकि पीपल में, लोगों में आक्रोश की भावना जगे, यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट में, अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावणा, और उन्होंने अर्ज किया पीपल से कि उन्होंने क्या करना है, किसको डिस्ट्रॉय करना है, रावणा को। रावणा मतलब हो गया ब्रिटिशर्स, हो गया मनी लैंड, हो गया आपका जमींदार, हो गया या डीकू हो गया, उन सबको खत्म करना है एंड एस्टैब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप, और उस उनके लीडरशिप में क्या करना है, एक किंगडम को एस्टैब्लिश करना है जिसका नाम क्या था, मुंडा राज। ही मोबिलाइज थाउजेंड ऑफ ट्राइबल फॉक्स टू फॉर्म गोरिल्ला आर्मी एंड टू अटैक द ब्रिटिश राज। तो उसने क्या किया, एक बहुत थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल फॉक को जमा किया और किसके लिए, गोरिल्ला पद्धति, गोरिल्ला आर्मी बनाने के लिए, और क्या करेंगे फिर, अटैक करेंगे ब्रिटिश पे। ही डिक्लेयर दैट द रीजन ऑफ क्वीन विक्टोरिया वॉज ओवर एंड द मुंडा राज हैड बिगेन। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब जो है क्वीन विक्टोरिया का राज खत्म हो गया और मुंडा राज स्टार्ट हो गया। ही गेव ऑर्डर टू द टेनेंट फार्मर्स टू पे नो रेंट। उन्होंने फार्मर्स को रेंट नहीं देने के लिए क्या कहा, प्रेरित किया। द पीपल अटैक पुलिस स्टेशन एंड चर्चेज, कहाँ अटैक किया, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, चर्च पर अटैक किया, रेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर, और जमींदार के प्रॉपर्टी को रेड कर दिए, लूट लिए। दे रेज वाइट फ्लैग एज सिंबल ऑफ बिरसाराज, बिरसाराज के सिंबल किस कैसा था, आपका वाइट फ्लैग से डिनोट करते थे। दे अटैक, द अटैक वॉज नॉट ओनली ऑन द मनी लैंडर, ये जो अटैक किए थे वो ना तो मनी लैंडर के खिलाफ था, मनी लैंडर के खिलाफ तो था ही, लैंडलॉर्ड के खिलाफ भी था, जमींदारों के खिलाफ था, इसके साथ साथ जो है डायरेक्टली अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में डायरेक्ट एक क्या था आपका, ये अटैक था ब्रिटिश राज के डायरेक्ट अगेंस्ट में, डायरेक्ट अटैक था। द मैसेकर एट डुमरी हिल, डुमरी हिल पे जो मैसेकर हुआ था, मेड इट ए हिल ऑफ द डेड, ये क्या बना दिया गया, इसको हिल ऑफ डेड बना दिया गया, व्हेन हंड्रेड्स ऑफ द ट्राइबल्स लॉस्ट देयर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर में जो मारे गए थे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर, तो उनके नाम पे क्या क्या है, वहाँ पे डुमरी हिल को हिल ऑफ डेड के नाम से उसको संज्ञा देने लगा, क्योंकि वहाँ पे एक मैसेकर हुआ था जहाँ पे 200 से अधिक लोग मारे गए थे। द ग्रेट ट्यूमल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश सॉट टू एस्टैब्लिश मुंडा राज एंड इंडिपेंडेंस, तो ये जो ब्रिटिशर के अगेंस्ट में जो फीलिंग था वो क्या है, एस्टैब्लिश किया मुंडा राज को और इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट लोगों के दिल में। द स्लोगन ऑफ द मूवमेंट वाज, स्लोगन क्या था, अबू राजा, अबू राज एते जाना, विच मीन्स द लेट द किंगडम ऑफ क्वीन बी इंडेड एंड आवर किंगडम एस्टेब्लिश। तो इनका जो स्लोगन था कि अब जो है क्वीन का किंगडम खत्म हो गया, हमारा किंगडम स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें फिर से देखते हैं एक बार, स्टार्ट कैसा, बिरसा इन्फ्यूज द वैल्यू ऑफ लव, रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड सेफगार्ड देयर लैंड फ्रॉम द आउटसाइडर, किसके में, ट्राइबल पीपल के दिलों में। ही यूज ट्रेडिशनल सिंबल एंड लैंग्वेज टू अराउज पीपल, अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावणा एंड एस्टैब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। ही मोबिलाइज थाउजेंड ऑफ ट्राइबल फॉक टू फॉर्म गोरिल्ला आर्मीज एंड टू अटैक द ब्रिटिश राज। ही डिक्लेयर दैट द रीजन ऑफ क्वीन विक्टोरिया वॉज ओवर एंड द मुंडा राज हैड बिगिन। ही गेव ऑर्डर टू द टेनेंट फार्मर टू पे नो रेंट, कोई रेंट नहीं देंगे। द पीपल अटैक्ड पुलिस स्टेशन, चर्चेज, रेडेड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर, जमींदार, दे रेज वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ ब्रिटिश राज, सॉरी बिरसा राज। द अटैक वॉज नॉट ओनली ऑन द मनी लैंडर, लैंड लॉर्ड्स, जमींदार एंड महाजन, बट डायरेक्टली अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर के डायरेक्टली अगेंस्ट में था अटैक। द मैसेकर एट डुमरी हिल्स मेड इट हिल ऑफ डेड व्हेन द हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल लॉस्ट देयर लाइफ फॉर कॉज ऑफ द फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। द ग्रेट ट्यूमल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स साउथ टू एस्टैब्लिश मुंडा राज एंड इंडिपेंडेंस, कि अब हमें इंडिपेंडेंस लेना ही है। द स्लोगन ऑफ द मूवमेंट वॉज अबू राजा एते जाना, विच मीन्स लेट द किंगडम ऑफ क्वीन बी इंडेड एंड आवर किंगडम एस्टैब्लिश। ये था हमारा क्या था, स्टार्ट था, कैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब देखेंगे कैसे मूवमेंट फेल हो गया, डिक्लाइन कर गया। इन 1895 बिरसा मुंडा वॉज अरेस्टेड एंड रिलीज आफ्टर टू ईयर्स। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया था और उसको दो साल बाद छोड़ दिया गया, 1897 में छोड़ दिया गया। ही डिस्ट्रॉय पुलिस स्टेशन, गेम उसने फिर क्या किया, उसने पुलिस स्टेशन को डिस्ट्रॉय किया, बिल्डिंग को खत्म किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग को, चर्चेज और जमींदार को, जमींदार के घर को तबाह किया। बिरसा मुंडा वॉज अगेन कॉट, फिर से उसको क्या किया, कॉट कर लिया, पकड़ लिया गया बाय ब्रिटिश पुलिस ऑन मार्च 3, 1900 में अरेस्ट कर लिया गया वाइल स्लीपिंग विथ हिज ट्राइबल गोरिल्ला। जब वो सो रहे थे तो उन बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया उनके ट्राइबल गोरिल्ला के साथ, गोरिल्ला आर्मी के साथ। ही डाइड इन द प्रिजन ड्यू टू कॉलरा, कॉलरा से उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि मृत्यु तो उनको पीटने से होता है, लेकिन अब जो रिकॉर्ड में है तो रिकॉर्ड में आपका कॉलरा से होता है कि एंड द मूवमेंट डिक्लाइन सडनली, और जो है फिर क्या होता है जब वो मर जाते हैं तो उसका मूवमेंट जो है सडनली डिक्लाइन कर जाता है। डिक्लाइन ऑफ द मूवमेंट क्या होता है, द इन 1895
बिरसा मुंडा वाज अरेस्टेड एंड रिलीज आफ्टर टू ईयर्स. ही डिस्ट्रॉय पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग, चर्चेज, जमींदार होम्स. बिरसा मुंडा वाज अगेन कॉट बाय द ब्रिटिश पुलिस ऑन March 3, 1900 वाइल स्लीपिंग विथ हिज ट्राइबल गुरिल्ला आर्मी. ही डाइड इन द प्रिजन ड्यू टू कॉलरा एंड द मूवमेंट डिक्लाइन सडनली. आउटकम्स क्या था इसका, इस रिजल्ट का आउटकम जो था, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम. इसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया, खून कटे सिस्टम को रिस्टोर किया, एबोलिश द फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ को खत्म किया गया, बैन किया गया, फिर जो आपका और फॉरेस्ट लॉ को खत्म किया और बैन द फोर्स लेबर को क्या किया, यहाँ पे एक फॉरेस्ट लॉ भी लिख दिया, एबोलिश द फॉरेस्ट लॉ, एबोलिश आप फोर्स लेबर ने बेगारी को खत्म किया, खूंटी और गुमला को एक सब डिवीजन बनाया गया, ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड को ट्रांसफर पर रोक लगा दिया गया कि आप ट्राइबल लैंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई खरीद नहीं सकता है नॉन ट्राइबल पीपल. छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में लागू किया गया. अब यहाँ पे देखते हैं अब क्या है, द ब्रिटिशर्स वेयर फोर्स टू एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम और जमींदारी सिस्टम का एबोलिश हो गया. बिरसा कंपेल द ब्रिटिशर्स टू इंट्रोड्यूस छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया गया. ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल, यानी जो ट्रांसफर होता है ट्राइबल लैंड का नॉन ट्राइबल को क्या किया, उसको खत्म किया गया. गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एंड रीस्टोर खूंट कोटी सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया और उसको रीस्टोर कर दिया, फिर से बहाल किया गया और फोर्स लेबर और बेगारी को बैन कर दिया गया. ये पांच देखिए आपको यहाँ पे क्या है, सिंपली क्या किया, हम यहाँ पे डायग्राम बना दिया और नीचे उसको क्या किया, सिंपली एक्सप्लेन कर दिया, नथिंग और ज़्यादा कुछ नहीं करना है. अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखिए, तो मुंडा रिवॉल्ट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा था, तो पहला यहाँ पे आपका रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था. ये कैसा था, एक सुहारवादी आंदोलन था, यहाँ पे सीधा लिखेंगे सुहारवादी आंदोलन था, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था. इसमें क्या था, वायलेंट रिवॉल्ट था, हिंसक आंदोलन था, बैकवर्ड लुकिंग और ट्रेडिशनल यानी रूढ़िवादी आंदोलन था. अगर वो जीत जाते हैं तो फिर से अपने पुराने परंपराओं पे वो आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया आपका बैकवर्ड लुकिंग और ट्रेडिशनल था. एक ऑर्गेनाइज रिवॉल्ट था, एक सुसंगित ढंग से एक किया गया रिवॉल्ट था, ऑर्गेनाइज रिवॉल्ट था, मोटिवेटेड बाय सुपरस्टिशियस बिलीफ, यानी जो है आपका सुपरस्टिशियस बिलीफ से मोटिवेटेड था, उन लोग मोटिवेटेड थे. फिर जो आपका यानी अंधविश्वास से मोटिवेटेड थे, जैसे सिंह भगवान बिरसा ने क्या कहा था कि उनको कोई मार नहीं सकता है, तो ठीक है ये भी आपका क्या था, अंधविश्वास विश्वास से भरा हुआ था. सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, वो क्या था आपका अस्तित्व के लिए एक लड़ाई थी, कि उनका क्या था अस्तित्व के लिए लड़ाई थी, अगर वो नहीं लड़ते तो उनका अस्तित्व क्या होता, खत्म हो जाता. धीरे धीरे मुंडा हट जाते हैं वहाँ से और बाहरी लोग आके वहाँ पे अपना बच जाते हैं, तो इसलिए वो एक था क्या था, एक अस्तित्व की एक लड़ाई थी उनका. एंटी कॉलोनियल एंड एंटी फ्यूडल मूवमेंट था, यानी एंटी कॉलोनियल और एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था वहाँ पे, यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बाहरी लोगों के अगेंस्ट में एक आपकी वहाँ पे विद्रोह था. फिर यहाँ पे सपोर्ट फ्रॉम बेसिस कम्युनिटी, बहुत सारे कम्युनिटी से इनका सपोर्ट था. जनरली लोकलाइज रिवॉल्ट, जनरली क्या था कहता था, एक लोकलाइज था, लोकल लेवल पे था, पूरा फैला नहीं था, एक लोकल लेवल पे था रिवॉल्ट. ट्रेडिशनल आर्म्स यूज, इसमें पुराने हथियार को यूज किया गया था, जैसे बो एंड एरो, भाला, ये सब हथियार यूज किया था. टेक्निक था गुरिल्ला पद्धति था और ट्रेडिशनल सिम्बॉल यूज किया गया था, ट्रेडिशनल सिम्बॉल लैंग्वेज यूज किया गया था. गुरिल्ला पद्धति में तो ट्रेडिशनल लैंग्वेज को ही यूज करेगा, तो यही आपका थोड़ा मेन कैरेक्टरिस्टिक था. मेन कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका नेचर कैसा था. आप नेचर हो चाहे नेचर पूछेगा, चाहे आपको कैरेक्टर से, तो आपको यही सारे पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा. फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंस, महत्व क्या था इस रिवॉल्ट का. तो इट गेव द फाउंडेशन ऑफ लेटर ट्राइबल मूवमेंट इन 1900. तो 19वीं शताब्दी में जो भी फाउंड मूवमेंट होता है उसका ये क्या करता है, एक फाउंडेशन बना देता है, एक बेस बना देता है, जो भी बाद के मूवमेंट होते हैं, बाद में जो विद्रोह होता है उसका एक बेस बना देता है आपका, कि आप भी लड़ सकते हैं. बिरसा मुंडा बिकेम ए सिंबल ऑफ एंटी फ्यूडल एंड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल मूवमेंट. तो एंटी फ्यूडल और एंटी कॉलोनियल सिस्टम स्ट्रगल का जो एक फेस बन गया था, कौन बन गया था आपके, बिरसा मुंडा एक सिंबल बन गए थे, चिन्ह बन गए थे. इंकरेज द पब्लिक टू बिलीव इन द पावर ऑफ फ्रीडम, पावर ऑफ फ्रीडम में बिलीव करने लगे लोग. फिर है दिस शो दैट द ट्राइबल पीपल कुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. ये क्या दिखाया कि हमें दिखाया कि जो है जो ट्राइबल पीपल भी क्या हो सकते हैं कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं इनजस्टिस, अपने इनजस्टिस के अगेंस्ट में, और अपने जो है अपने गुस्से को दिखा सकते हैं किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में. इट कंपेल द गवर्नमेंट टू इंस्ट्रक्ट द ऑर्डिनेंस सो दैट द टेरिटरी ऑफ ट्राइबल कुड नॉट बी टेकन बाय द डिकू अंडर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908. तो इसने क्या किया, गवर्नमेंट को कंपेल कर दिया गया कि आप एक ऑर्डिनेंस लाइए, कुछ हमारे लिए बनाइए, ताकि जो है जिससे क्या हो कि बाहरी लोग हमारे लैंड को हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, भाई लोग हमारे अंडर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं. किसके द्वारा, तो तब क्या लाया गया, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया गया. द रिवॉल्ट वाज स्टार्टेड एज ए सोशल रिलीजियस प्योरिटी, रिवॉल्ट जो है सोशल रिलीजियस प्योरिटी से स्टार्ट होता है लेकिन किसमें, वायलेंट रिवॉल्ट में बदल जाता है. द रिवॉल्ट पेव द वे फॉर स्वराज फ्रॉम ब्रिटिश रूल. तो ये क्या कहता है, आगे जो है स्वराज और ब्रिटिश रूल का ये आपका ये जो है एक रास्ता दिखाता है, तैयार करता है स्वराज और
पूर्ण स्वराज का। बिरसा मुंडा यूनाइट द कम्युनिटी ऑन वेरियस फ्रंट, हर एक फ्रंट पे क्या है बिरसा मुंडा कम्युनिटी को यूनाइट करते हैं, जैसे ब्रदरहुड के भावना से, रिलीजियस यूनिटी के मामले में, इन सब तरीके से कम्युनिटी को यहाँ पे ये यूनाइट करते हैं, एक करते हैं। ड्यू टू क्लियर गोल, एक क्लियर गोल होने के कारण, एक ऑर्गेनाइज रिवोल्ट होने के कारण, जो मूवमेंट गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सपोर्ट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ मुंडा कम्युनिटी। मुंडा कम्युनिटी के और भी कम्युनिटी थे, और भी लोग थे, और भी मेंबर थे, उनका सपोर्ट मिल गया क्योंकि एक इनका जो गोल था क्लियर था और ऑर्गेनाइज रिवोल्ट था एक तरह का सुसंगठित था। द मूवमेंट मेड वन थिंग क्लियर टू एवरीवन, एक चीज़ सभी को क्लियर हो गया, डैट सॉल्यूशन ऑफ फॉर सोशल रिलीजियस प्रॉब्लम, सोशल रिलीजियस का जो भी प्रॉब्लम है कैन बी पॉसिबल ओनली वेन देयर इज पॉलिटिकल फ्रीडम अवेलेबल। अगर हमारे पास पॉलिटिकल फ्रीडम, देखिए इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फ्रीडम के इंपॉर्टेंस को सब कुछ समझ गए थे। ब्रिटिश देन कीप अवे फ्रॉम द रिलीजियस इंटरफेरेंस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी के रिलीजियस इंटरफेरेंस से ब्रिटिश लोग अब दूर रहने लगे। तो ये चीज़ आप अपने सिग्निफिकेंट में लिखेंगे, क्या क्या फिर से देख लीजिए। इट गेव फाउंडेशन फॉर द लेटर ट्राइबल मूवमेंट इन 19th सेंचुरी, बिरसा मुंडा बिकेम द सिंबल ऑफ एंटी फ्यूडल एंड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल मूवमेंट। फिर आपका इंकरेज द पब्लिक टू बिलीव इन द पावर ऑफ फ्रीडम, दिस सो दैट द ट्राइबल पीपल कुड गेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, एंड इट कंपेल द गवर्नमेंट टू इंस्ट्रक्ट द ऑर्डिनेंस सो दैट द टेरिटरी ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी टेकन बाई डिकूस अंडर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड एज सोशल रिलीजियस प्योरिटी बट टर्न इन टू ए वायलेंट रिवॉल्ट, द रिवॉल्ट पेव द वे फॉर द स्वराज फ्रॉम ब्रिटिश रूल। बिरसा मुंडा यूनाइटेड द कम्युनिटी ऑन वेरियस फ्रंट थ्रू ब्रदरहुड एंड रिलीजियस यूनिटी। ड्यू टू क्लियर गोल्स एंड ऑर्गेनाइज रिवॉल्ट, द मूवमेंट गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सपोर्ट फ्रॉम द मेंबर ऑफ द मुंडा कम्युनिटी, एंड द मूवमेंट वॉज मेड वन थिंग क्लियर टू एवरी वन, दैट सोल्यूशन ऑफ द सोशल रिलीजियस प्रॉब्लम कैन बी पॉसिबल ओनली वेन देयर इज पॉलिटिकल फ्रीडम अवेलेबल। यानी सिंपल था कि उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम को इंपॉर्टेंस को समझा सब कोई। ब्रिटिश देन कीप अवे फ्रॉम द रिलीजियस इंटरफेरेंस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, आपको लिखना है कंक्लूजन, तो लिख सकते हैं आप द मुंडा रिवॉल्ट स्टार्टेड एज सोशल रिलीजियस मूवमेंट, जो कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था वो किस में बदल गया, वायलेंट रिवॉल्ट में बदल गया, वायलेंट फॉर्म में हिंसक रिवॉल्ट में बदल गया। सिंस द रिवॉल्ट वॉज अनसक्सेसफुल, सिंस जो है चूंकि जो रिवॉल्ट क्या था अनसक्सेसफुल हो गया था, फेल हो गया था, इट पेव द वे फॉर, इसने फ्यूचर ऑब्जेक्टिव के वे को आपको रास्ता दिखाया। फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, यही था आपका स्वराज और पूर्ण स्वराज। स्वराज किसके द्वारा आपका आपका था, तो एनसीएम जो स्टार्ट हुआ था स्वराज को लेकर हुआ था, और पूर्ण स्वराज जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो स्वराज और पूर्ण स्वराज का ऑब्जेक्टिव को इन्होंने रास्ता दिखाया, और फाइनली क्या हो गया, हमें इंडिपेंडेंस मिल गया। दस इट विल बी द इट इफ वी विल बी यूनाइट, अगर हम यूनाइट रहेंगे, एक रहेंगे, फाइट फॉर आवर सर्वाइवल, अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे, एग्जिस्टेंस के लिए लड़ेंगे, देन कॉलोनियल रूल टेंड्स टू कीप फ्रीडम अवे, तो कॉलोनियल रूल जो है ये तो थोड़ा गलत लिखा गया, देन द कॉलोनियल रूल नेवर टेंड्स, यहाँ पे है लिखना है नेवर टेंड्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेवर टेंड्स हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है देन नो कॉलोनियल रूल, कोई कॉलोनियल रूल जो आपका आपके यहाँ पे हो जाएगा आपका नो, यहाँ पे नो लिखाएगा, यहाँ पे जो आपका नो लिखाएगा, नो कॉलोनियल रूल टेंड टू कीप फ्रीडम अवे, कोई कॉलोनियल रूल जो आपका आज़ादी नहीं छीन सकता है। तो ये था हमारा एक सिंपल सा आपका बिरसा मुंडा पे एक अटेम्प्ट था, जो कि अच्छा 5 पेज में है, लेकिन आप इसको आराम से जो है ना 400 पेज में आप 400 वर्ड में आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, आसानी से आप अपने वर्ड में बना सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। सॉरी उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है 6200922032 पे आप हमें मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।